हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड नेवी एसआर डबल ए को लेकर बड़ी अपडेट दोस्तों आपकी आ रही है। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट आपके डिक्लेयर। और दोस्तों यहां पे जो सबसे बड़ा अपडेट, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट अपडेट दोस्तों आपका आ चुका है। और यहाँ पे इसी चीज़ का हमें इंतज़ार था कि आपका एग्ज़ाम जो जल्द से कंडक्ट हो और आपको एक अच्छी सी नौकरी मिले इस ईयर में। तो दोस्तों ये जो 2021 का पल था आपके लॉकडाउन में, और आपको जो अच्छी सी तैयारी आपकी हो गई होगी, और आपके एडमिट कार्ड किन कैंडिडेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर भी कैंडिडेट के बहुत ज़्यादा सुझाव आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपके जो एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट जो कब तक आपके पब्लिश की जाएंगी, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप अगर टेलीग्राम से टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो भाई बहुत गलत बात है। और टेस्ट नंबर जो आपका 5 था दोस्तों, उसकी जो आंसर की भी जारी कर दी गई है। और आपसे सभी से इसीलिए दोस्तों आपको बोला जाता है कि आप जो इंस्टाग्राम पे अपने नंबर ज़रूर मेंशन करना, आप कितनी प्रिपरेशन करते हैं, क्या टेस्ट को लेकर आप एक्टिव हैं, और आपका जब सिलेक्शन होगा तो हम आपसे बातचीत जो करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इसलिए आप जो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताएं कि आपके टेस्ट नंबर जो 5 है उसमें कितने नंबर आए हैं, और ये आपको इंस्टाग्राम पर बताना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ओनली टेस्ट सीरीज़ मिलती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक है दोस्तों, आप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बड़ी अपडेट के बारे में दोस्तों जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, और भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपके सबसे बड़ा जो सवाल है कि सर एडमिट कार्ड जो आपके, क्या आपका एग्ज़ाम जो हो जो आपकी जुलाई के अंदर आपको मेरिट लिस्ट के बोला गया है, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ गाइज मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको अपने आप को जो प्रिपेयर करके रखना है, और आपकी पॉसिबिलिटी बनती है क्या, अब जो बड़ा अपडेट आपको नेवी के थ्रू भी मिल जाएगा। इनडायरेक्टली दोस्तों आपका अपडेट आ चुका है आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपका, आपको पता हो तो कोस्ट गार्ड का जो कि अपडेट आया था कल, और उस अपडेट में स्पष्ट मेंशन किया गया था कि आपका स्टेज जो सेकंड है वो आपके 16 जून को जो एडमिट कार्ड आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये अपडेट दोस्तों आपको यहाँ पे चेक देख भी सकते हैं कि आपके एडमिट कार्ड जो 16 जून से आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। आप अगर कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं और कोस्ट गार्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप स्टे सेकंड के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सवाल होगा सर आपकी एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट होगी, एडमिट कार्ड जो हो कब तक आपके देखने को मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम की बात से पहले आपका आने हैं एडमिट कार्ड। और दोस्तों एडमिट कार्ड मैंने आपको पहले भी कहा था कि एडमिट कार्ड आपके जून के एंड, जो कि जून के एंड, और दोस्तों आपका जो फोर्थ वीक लगता है, फोर्थ वीक में, जून के फोर्थ वीक में आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये एक बड़ी अपडेट भी होगी, क्योंकि दोस्तों आपके जो जो यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है वो भी अब कंडक्ट होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो ये एक बड़ी अपडेट है। और अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो जुलाई के फर्स्ट वीक में दोस्तों आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक में। और भाई आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करने में इतना वक्त नहीं लगेगा, और मेरिट लिस्ट भी दोस्तों आपकी समय पर आ सकती है, ऐसा नहीं होगा कि आपको मेरिट लिस्ट में भी, लेकिन अगर मे भी आपका जो हो मेरिट लिस्ट लेट भी होता है तो आपका एग्ज़ाम तो कंडक्ट अब करवा ही लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पॉसिबिलिटी बन रही है। और यहाँ पे ये जो आपको एक बड़ा अपडेट इनडायरेक्टली आपको अपडेट मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं आपके एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड के बारे में, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके दोस्तों। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हर एक कैंडिडेट तक जानकारी पहुंच जाए। ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर,
ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर, ऑनलाइन एग्ज़ाम से पहले मैं दोस्तों जो कि कैंडिडेट ने आरटीआई डाली थी उसकी रिप्लाई के बारे में डिस्कस ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा अपडेट था आपको। और हालांकि मैंने रिप्लाई इस आरटीआई के बारे में आपको डिस्कस नहीं किया था, अब जो मैं इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं वाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अपडेट नेवी के रिगार्डिंग और टेस्ट सीरीज सिर्फ टेलीग्राम पर मिलती है, तो आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लो। आईटीआई का दोस्तों रिप्लाई आपको दिया गया था एकदम बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला, और ये जो कंफ्यूजिंग जो हमें क्रिएट कर रहा है नेवी, तो ये कंफ्यूजिंग हमें काफ़ी समय से कंफ्यूजिंग ही करता चल रहा है। आपके नोटिफिकेशन को लेकर देख लीजिए कि नोटिफिकेशन आपका रियल नोटिफिकेशन और आपका नोटिफिकेशन कब से ही वायरल होना स्टार्ट हो गया था नोटिफिकेशन, लेकिन नेवी ने कहा हम ऑफिशियल अपडेट करेंगे, ऑफिशियल नोटिस भेजेंगे, लेकिन नेवी ने कुछ भी नहीं भेजा। और अब बोल रहे हैं कि हमने जब पूछा गया था कि आरटीआई में क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो उन्होंने कुछ एक उल्टा ही जवाब दे दिया कि आप एक हमें आइडेंटिटी प्रूफ दो कि आपने इस प्रकार से उन्होंने प्रूफ मांग लिया। तो ये सीधा सा कारण है कि कंफ्यूज करके सिर्फ भाई एग्ज़ाम ऑफलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। अपने आप को प्रिफर रखें, तैयार रखें, सभी कैंडिडेट अपने आप को ऑफलाइन के लिए तैयार रखें। टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं उम्मीद करता हूं अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो, क्योंकि टेस्ट पास दोस्तों आपको दे चुका हूं, और ये जो टेस्ट सीरीज आप लगाते हो तो आपको यकीन होता होगा कि सर हम एग्ज़ाम में बेस्ट कर ही के आएंगे। तो आप जो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं इंस्टाग्राम और दोस्तों टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर करके रखिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होने के भाई मोस्ट ऑफ चांस है, क्योंकि जब आरटीआई से भी रिप्लाई मांगा गया तो नेवी ने जो इसका भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो आप जो अपने आप को ऑफलाइन के लिए तैयार रखें। और रही बात आपके एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड भी भाई परसेंटेज बेस पे ही एडमिट कार्ड आने के फुल ऑफ चांस हैं कि परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आएंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि दोस्तों जो बेलगांव वाली जो आपकी पोजीशन थी उसमें जो कैंडिडेट थे जो कि छोड़कर आ गए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो अभी जो कैंडिडेट परसेंटेज नहीं है उनको एक लॉस होगा। बट यहां पे भी भाई नेवी के लिए तो हर एक कैंडिडेट भाई अपने आप में एक्टिव रहता है, और नेवी एक जो बड़ी नौकरी में भी आती है, तो यहाँ पर ऐसा एयरफोर्स वाला जो सीन शायद ना क्रिएट हो। बट जो नेवी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि परसेंटेज बेस पे कैंडिडेट को लिया जाए, ये एक थोड़ा सा अलग है जो कि मुद्दा है। बट दोस्तों अभी जो एडमिट कार्ड उन्हीं कैंडिडेट का आपको देखने को मिलेगा, और आप जो एडमिट कार्ड किन कैंडिडेट के आपके एडमिट कार्ड उसके लिए हम मोस्ट ऑफ वीडियो जो कि आपको दोस्तों दे चुका हूँ, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस प्रकार की आपको जो थंबनेल वहाँ पर दिखेगी। गाइज आपको इस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आकर आप इसको चेक जरूर कर लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के परेशान हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट देख भी चुके हैं, 13,000 के आसपास जो कैंडिडेट देख चुके हैं, और इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि सभी स्टेट का मैंने डिस्कस किया है कि किन किन कैंडिडेट का आपके एडमिट कार्ड के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, सब कुछ जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो गाइज बस यही आपको अपडेट करना था, और आपका जो कोस्ट गार्ड का जब अपडेट आया था तो सभी कैंडिडेट के एक ही कमेंट आ रही थी कि सर जो हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या हमारा एग्ज़ाम अब जो कंडक्ट हो सकता है क्योंकि सर ये जो अपडेट आई है। तो सारी चीज़ें दोस्तों डिस्कस कर चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी कैंडिडेट को वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं किसी प्रकार की अपडेट के साथ दोस्तों। और एग्ज़ाम भाई जल्दी कंडक्ट होगा, तो जितना हो सके भाई अपने आप को जो तैयारी जो कर रहे हैं उसको एफर्ट आप बढ़ा दीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ जो आपकी जल्दी जो बहुत फास्टली दोस्तों आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, टेस्ट सीरीज़ आपको टेलीग्राम पे अब जो टेस्ट सीरीज़ हो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी। तो आप जो सभी कैंडिडेट टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और दोस्तों बस यही अपडेट करना था। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। गाइस जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।